हम अभी तक एग्जेम्पशन के दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देख सकते हो। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 फॉर एग्जेम्पशन अंडर GST, यानी कि हम ये बात करने वाले हैं कि GST के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्ट होती हैं जहाँ पे आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी की थर्ड स्टेप में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैं उठाता हूँ, सर्विसेज जो दी जाती हैं बाय अ गोइंग कंसर्न जब वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मीन्स टू से मान लेते हैं कि कोई बिजनेस है, अगर वो अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे पर्सन को, तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है पूरा बिजनेस, इसमें क्या कोई GST चार्ज होगी? आंसर इज़ नो, इसमें आपको कोई GST नहीं देनी होगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पूरा बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहे हो या एक छोटा सा पार्ट ट्रांसफ़र कर रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस केस में आपको कोई भी GST देने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ बात आती है कि सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की? बिल्डिंग की। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि वो गवर्नमेंट स्कीम में होनी चाहिए। यानी कि आपने सुना होगा कि जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम रखी हुई है हाउसिंग फॉर ऑल या PM आवास योजना जैसी तमाम स्कीम होती है, इस स्कीम में अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो अगर वो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि मटेरियल वगैरह से कोई मतलब नहीं है, मटेरियल वगैरह सब आप खुद मैनेज करोगे, बस लेबर एक्टिविटीज़ का कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो आपके लिए एग्जेम्पशन होगा, उसमें GST आपको नहीं अप्लीकेबल। पर ध्यान रखिएगा कि प्योर लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो केवल सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के होना चाहिए, यानी कि एक ही घर के लिए होना चाहिए, पूरी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स के लिए आपको दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 घर बनवा रहा हूँ और मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि प्लीज लेबर की यूनियन को मैंने कहा कि ऐसा करिए 100 वर्कर्स भेज दीजिएगा मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ये वहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मैंने यूनियन को कहा कि भैया मुझे 5 वर्कर भेज देना, मुझे अपना घर बनवाना है, उस सिचुएशन में सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि फेयर प्राइस शॉप, जैसे कि आपने देखा होगा राशन की दुकान पे क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या यूनियन टेरिटरीज की एक अपनी शॉप होती है जो वहाँ की सोसाइटी के लोगों को जो डेली चीज़ें होती हैं, डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं, जैसे कि चाय, चीनी, बाजरा, गेहूँ, चावल, ऐसी तमाम चीज़ें वो आपको सस्ते रेट पे देते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये किलो के रेट से वो आपको देते हैं। ऐसी दुकानों पे भी आपके ऊपर GST नहीं एप्लीकेबल होगी। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये चीज़ें सस्ती मिले, और उसमें भी अगर टैक्स चार्ज कर देगी तो बट ऑब्वियसली चीज़ें उनको सस्ता नहीं मिल पाएगा। फिर लास्ट बात जो अभी इस स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो ये है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। यहाँ पे बात करें कि अगर कोई आवासीय योजना है जिसके अंदर आपको रहने की परमिशन मिलती है, उसको अगर आप रेंट आउट कर देते हो तो ऐसी रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए, ध्यान रखिए अगर आप उसको गोडाउन बनाते हो तो ये एग्जेम्पशन में नहीं जाएगा, लेकिन अगर रहने के लिए अगर आपको दिया जाता है तो सिचुएशन में वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, उसमें भी आपको GST नहीं पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो है होटल से रिलेटेड, गेस्ट हाउस से रिलेटेड। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी ये बात डिस्कस की थी जब मैंने बताया था आपको आश्रम से रिलेटेड, कि अगर आश्रम में किसी रिलीजियस संस्था में जाकर के आप रहते हो तो उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलती है अगर रूम का किराया 1,000 रुपए से कम हो तो। वैसे ही अगर आप किसी होटल में जाकर के कोई सर्विस लेते हो, इन या गेस्ट हाउस में जाकर के कोई सर्विस लेते हो, क्लब में जाकर के सर्विस लेते हो, तो यहां पे भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। एग्जेम्पशन कितनी होगी जरा इस बात को समझते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेज हैविंग डिक्लेयर टैरिफ अ यूनिट बिलो 1,000 पर डे, 1,000 रुपए से कम का अगर चार्ज है तो ही एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज आपको एग्जेम्पशन ज़्यादा पे करने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो तो ये एक एग्जाम्पल लिया भी है कि प्राइस मान लीजिए 1,200 रुपये था और उस पर उनको डिस्काउंट मिला है, तो प्राइस हमारा 1,000 से लेस हो गया, हेंस GST एप्लीकेबल, हाउ एवर आफ्टर डिस्काउंट प्राइस इज लेस देन 1,000। नेक्स्ट बात आती है कि अगर कोई टोल सर्विसेज आपको मिलती हैं, आपने देखा होगा कि जब आप किसी नेशनल हाईवे से जाते हो तो आपको टोल सर्विसेज कहीं जगह ब्रिज मिलते हैं, कहीं रोड सर्विसेज होती है जो फास्ट मूविंग रोड होती है, ऐसी जगहों पे आपको टोल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसी टोल चार्जेस वगैरह होंगे तो वहाँ पे भी कोई GST एप्लीकेबल नहीं होगी, वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। भाई अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस दी जा रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, उसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। एज ऑफ नाउ अभी तक कोई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सर्विसेज बाय आरबीआई। अगर आरबीआई कोई सर्विस देती है, आरबीआई किस तरह की सर्विस देती है भाई, वो आपको कैश प्रोवाइड कराती है, वो बैंकिंग सिस्टम को मैनेज कराती है, वो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है, वो हर तरह की सर्विस जो भी वो देती है वो हमेशा ही एग्जेम्प्ट रही है और आगे भी एग्जेम्प्ट रहेगी। आरबीआई की किसी भी सर्विसेज के ऊपर आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा भाई। बट ऑब्वियस ही चीज़ है, अगर आप सरकार आपको कैश प्रोवाइड कराती है जो मॉनिटरी सिस्टम को मैनेज करती है, अगर वो भी टैक्स चार्ज करने लगेगी तो बचेगा ही क्या, तो अल्टीमेटली आपके लिए नुकसान ही हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको भी एग्जेम्प्ट कर रखा है। फिर एक बहुत अच्छी बात आती है कि अगर आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो उस बैंक पे जब पैसे जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, या बैंक से जब आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, गवर्नमेंट बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। ऐसी सिचुएशन पे भी आपसे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड सर्विस यूज़ कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से अगर आपने कोई लोन लिया है या कोई ईएमआई कन्वर्ट कराई है, तो उसमें जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो डेफिनेटली चार्जेबल होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अगर आपने परचेज या सेल किया है फॉरेन करेंसी फ्रॉम बैंक और ऑथराइज्ड डीलर, तो भी वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ध्यान रखिएगा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट अप टू 2000 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्टेड थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड सर्विसेज। यानी कि अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड की सर्विस यूज करते हो और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 2000 रुपीज से कम है, तो भी आपको कोई भी सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। उस जो सर्विस चार्ज लगता है तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, वो पूरी तरह से फ्री होगा, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके अलावा फिर बात आती है, सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑफ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक डांस थिएटर जैसी तमाम चीज़ें जिसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1.5 लाख है। आप किसी थिएटर में जाते हो, परफॉर्मेंस देते हो और वहाँ पे अगर आपको कोई चार्ज दिया जाता है, मतलब आपको पेमेंट की जाती है, कोई आपकी फ़ीस होती है और वो फीस जो होती है वो लेस देन 1.5 लाख रुपये होती है, तो उसके लिए भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, आपके ऊपर भी किसी तरीके की कोई चार्जेस नहीं होंगे। भाई आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप डांस कर रहे हो, आप वहाँ पे थिएटर में अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, तो इस चीज़ की आपको फीस मिलती है, बट वो भी आपके लिए चार्जेबल नहीं होगी। इफ़ आर्टिस्ट इज वर्किंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो ध्यान रखिएगा उस केस में फिर टैक्सेबिलिटी आएगी। अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हो, किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब तो वो टैक्सेबिलिटी आएगी, क्योंकि ब्रांड जो भी होगा वो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी में आता है। लेकिन आप अगर इंडिविजुअली कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो तो वो फिर टैक्सेबिलिटी में नहीं आएगा, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। होपफुली यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।